गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कल ही एक विधायक ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में आज तीन और विधायक ने सीएम रूपानी को उनके मत विस्तार में हो रही गफलेबाजी को लेकर खत लिखा है। केतन इनामदार ने तो खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया, पर तीन विधायकों ने जो खत लिखा है वो उनके बगावती तेवर भी दिखा रहा है। अब ऐसे में T20 खेलने की बात करने वाले रूपानी साहब के साथ अपने ही खेल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि भरूच में आई GNFC कंपनी के केमिकल स्टोरेज में भारी मात्रा में केमिकल पदार्थ रखे गए हैं जो विस्फोटक भी है। ऐसे में भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी और विधायकों ने आशंका जताई है कि यदि सरकार एक्शन नहीं लेगी तो यहाँ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो साथ ही में कंपनी में स्थानीय लोगों की भागीदारी को लेकर भी लिखा कि कंपनी में 80% रोजगारी स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही है। और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर भाजपा के ही तीन विधायक दुष्यंत पटेल, अरुण राणा और ईश्वर सिंह पटेल ने विजय रूपानी को खत लिखा है। हमारे स्थानीय MLA अरुण सिंह जी राणा, हमारे भरत सिंह जी, हमारे जिला संगठन के साथ हमने हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी को एक रिटर्न फॉर्मेट में हमें वहाँ रजूआत की थी। दूसरा, ये देश के माननीय वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नीम प्रोडक्ट्स का, नीम वाला यूरिया और उससे नीम में से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसके साबुन, रेपेलेंट्स, उसके हेयर ऑयल, उसका हैंड वॉश वगैरह बहुत सारी चीज़ GNFC ने एक पहल की थी। उसकी इतनी सारी इफ़ेक्ट हुई कि पूरे देश में ऐसा सोचा गया कि ये नीम से ऐसे प्रोजेक्ट डाले जाएंगे। पर ये MD मिस्टर डागूर आने से सितंबर 2019 में जब EGM हुई थी तो EGM में मैंने खड़े होकर कहा था कि आज की डेट में 11.5 लाख साबुन आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं तो आप उसको क्यों नहीं बेच पाते हैं। एक समय ऐसा था कि ये सभी साबुन, सभी नीम प्रोडक्ट की इतनी सारी डिमांड थी, आज ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ बिक नहीं पाता है। तो ऐसी इसकी भी हमने क्या कहते हैं ये कंप्लेन हमने हमारे राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री को की थी। तीसरी बात ये थी कि GNFC जो प्लांट है और जो उनकी टाउनशिप है वो भरूच हो या दहेज हो, उसके जो लैंड लूजर्स है उसको आज तक उसको नौकरी नहीं दी गई है, तो उसकी भी हमने कंप्लेन हमारे ऑनरेबल CM को की थी। वैसे बहुत सारे जो प्रश्न है उनके जो GNFC के केमिकल्स है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, वो भी आज की डेट में 200 करोड़ के ऊपर का उसका स्टॉक है तो वो क्यों नहीं बिक रहे हैं, ऐसा कैसा आपने निर्णय किया है। तो इसको लेकर, इसकी चिंता को व्यक्त करते हुए मैंने मिस्टर अरुण सिंह जी राणा, हमारे MLA वागरा और हमारे भारत सिंह जी परमार और हमारे जिला संगठन ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री को रिटर्न में दिया है और चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि भाई इसका जल्दी से जल्दी इसका निराकरण आ जाए। मोदी और शाह की जोड़ी ने जो विरासत रूपानी को दी शायद उसे संभालने में रूपानी साहब नाकाम होते दिख रहे हैं। मोदी शाह के शासन में मजाल थी किसी की जो सरकार के खिलाफ दबी आवाज में भी एक शब्द बोले, पर शायद अब वो दौर नहीं रहा है और भाजपा के नेता खुलकर सरकार के खिलाफ अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। भरूच से संवाददाता दिग्विजय सिंह पाठक की रिपोर्ट।